इसराइल और हमास के बीच सीज फायर की कोशिशें बहुत हुई, लेकिन नेतन्याहू की एक जिद ने अब हर कोशिश पर पानी फेर दिया है। नेतन्याहू का दावा है कि हमास ने रेड जोन में ऐसी 150 सुरंगें तैयार कर ली है जहां से वो इसराइल की सेना पर बड़े हमले करना चाहता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसराइल अब खूनी कॉरिडोर में लगता है बुरी तरह से फंस चुका है। यह खूनी कॉरिडोर हमास और इसराइल के बीच सीज फायर में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। यह खूनी कॉरिडोर गाजा की तबाही का सबसे अहम गवाह बन चुका है। इस जगह को बोलते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। यहां कब हमास का बम दस्ता किसी सुरंग से निकलकर हमला करेगा, यही खौफ बना रहता है। ऐसे ही बहुत से वीडियो इसराइल के पावर सेंटर में तहलका मचा रहे हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के पास ऐसे ही हमलों को लेकर नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा हो चुका है, क्योंकि जो धमाका है उसमें न सिर्फ इसराइल का टैंक फट रहा है बल्कि इसराइली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी इस खूने गलियारे को लेकर बेनियामिन नेतन्याहू और हमास आहिया सिनवार आमने सामने आ चुके हैं। सीज़फ़ायर की शर्तों में सिनवार ने कहा है कि इसराइल को फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटना होगा, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि कॉरिडोर पर इसराइल का कब्जा बरकरार रहेगा। अब क्या है यह खूनी कॉरिडोर और इसराइल हमास के युद्ध में इस कॉरिडोर को लेकर सीज फायर वाली डील क्यों अटक गई है, इसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जिसे ना नेतन्याहू छोड़ना चाहते हैं और ना ही याहिया सिनवार। फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी खूनी कॉरिडोर, इसके एक तरफ गाजा है और दूसरी तरफ मिस्र, और यहां इस वक्त पूरी तरह इसराइल का कब्जा है। वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटना नहीं चाहता। इस मैप को बहुत गौर से समझने की जरूरत है, क्योंकि गाजा में इसराइल की बमबारी और सीज़फ़ायर इसी कॉरिडोर पर टिका हुआ है। 14 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में दो क्रॉसिंग है, एक का नाम है रफाह क्रॉसिंग जहां से लोग गाजा से आते जाते रहे हैं, दूसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है केरम शलोम क्रॉसिंग जहां से सामान गाजा में भेजा जाता है। इसी रफा क्रॉसिंग से गाजा के लोग इसी रूट से मिस्र आते जाते रहे हैं, लेकिन युद्ध के बाद इस जगह इसराइल का पूरा कंट्रोल है। अब गाजा पर इसराइल की बमबारी कब रुकेगी, कब सिनवार और नेतन्याहू के बीच सीज फायर होगा, फैसला ये कॉरिडोर करेगा। गाजा के अंदर इसराइल की सेना बहुत बुरी तरह जूझ रही है। हमास जब चाहे उस पर हमले कर रहा है और नेतन्याहू अब हमास को खत्म करने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। आया सिनवार इस वक्त गाजा में कहां है कोई नहीं जानता। शक पूरा है कि वो इस वक्त फिलाडेल्फी कॉरिडोर के आसपास से ही गाजा में हमास को कंट्रोल कर रहा है, यानी खूनी कॉरिडोर से ही इजरायली सेना पर हमलों के सिग्नल रिलीज किए जा रहे हैं। एक बार फिर मैप पर देखिए, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इसराइल का दावा है कि इसी कॉरिडोर से हमास को हथियार सप्लाई होते हैं और इसकी सेना और उसकी सेना का यहाँ रहना जरूरी है। इसराइल का दावा है कि उसने इस कॉरिडोर के आसपास 150 से ज्यादा सुरंग मिली है जिससे हमास को हथियार सप्लाई होते रहे हैं। नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह रोकना है तो इसराइल की सेना के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन 14 अगस्त को इसराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर क्या कहा था, बहुत गौर से सुनी। फिलाडेल्फी दवा खशूब कि ज़म तपल बैत अत्समूत אנחנו מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט. יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. אנחנו... נתניהו נקרא כי סנה כי מוג'ודגי קורידור פר זרורי. לכן ישראל כמיליטרי צ'יף נקרא כי פילדלפי קורידור כה דור רכר בי קונטרול כי יעג'ה סקטה. יעני סקורידור כה לכאן נתניהו ג'ו דאבה כרחיהם.
इसराइल के मिलिट्री चीफ इस बात को पहले नकार चुके हैं। ये बात सीज फायर पर बात शुरू होने से पहले की है, इसलिए तेल अवीब में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसराइल की पब्लिक नेतन्याहू पर आरोप लगा रही है कि वो सीज फायर को लेकर गंभीर नहीं है। Hoping for a new deal, I doubt very much it will happen. As long as it depends on our prime minister, there's no incentive to do it. You know. I'm trying to raise the awareness for the hostages in Gaza, in the tunnels, that their voices can't be heard, and we are here to make everybody see what they're going through. They can't do anything. The only entity that could do something about it is the government of Israel. And they need to get a deal now. गाजा में इस वक्त इसराइल लगातार ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां उसे शक है कि हमास के लड़के छुपे हुए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि कई बच्चे ऐसे धमाकों में मारे जाते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल और मिस्र का दौरा करके लौट चुके हैं, लेकिन अभी तक गाजा में धमाके जारी हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल का सीज फायर वाला फॉर्मूला है जिसमें धमाकों की 100% गारंटी है। सीज फायर का फॉर्मूला फिक्स होने से पहले इसके 5 दुश्मन एक्टिव हो चुके हैं। इन 5 दुश्मनों की लड़ाई ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 1 इसराइल है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 2 हमास है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 3 हिजबुल्ला है? क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 4 ईरान है? और क्या सीज फायर का दुश्मन नंबर 5 खुद अमेरिका है? गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग गाजा में बेघर हो चुके हैं। हमास के कब्जे में अब भी 120 इजरायली नागरिक हैं। इन्हीं को बचाने के लिए सीज फायर की चर्चा हो रही है, और इसी दौरान गाजा के खान यूनूस में भी इसराइल का एक बम गिरा। धमाके के बाद अस्पताल की तरफ लोग भागने लगे। ये वो खून है जो सीज फायर की आड़ में उस पर बातचीत के दौरान बहाया जा रहा है। गाजा में 40,000 लोगों की मौत और 120 इजरायली बंधकों को लेकर इसराइल और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई है वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर आकर रुक गई। फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी इस खूनी गलियारे को लेकर बेन्यामिन नेतन्याहू और हमास चीफ अहिया सिनवर आमने सामने आ चुके हैं। सीज़फ़ायर के शर्तों में सिनवर ने कहा है कि इसराइल को फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटना होगा, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस कॉरिडोर पर इसराइल का कब्जा बरकरार रहेगा। ऐसे में क्या सीज़फ़ायर होगा भी या नहीं, और हो भी गया तो क्या टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। नेतन्याहू जानते हैं कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा होने की वजह से इसराइल का हाथ हमेशा हमास की गर्दन पर रहेगा। वैसे ये युद्ध कब तक चलेगा अभी तो कोई नहीं जानता। इसराइल हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन गाजा में हमास को खत्म करना तब तक मुमकिन नहीं जब तक हमास के सुरंग नेटवर्क को इसराइल पूरी तरह तबाह न कर दे। इसराइल की ताकत दिखाने के लिए बेन्यामिन नेतन्याहू उतरी इसराइल में रमात डेविड एयरबेस पर गए। ये दौरा काफी सीक्रेट रखा गया क्योंकि ऐसे अड्डों पर हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। नेतन्याहू ने पहले अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में बात की जो गाजा में लगातार ऑपरेशन कर रहा है। בסיס חיל אוויר כדי לעמוד מקרוב על ההכנות שלנו מול איומים קרובים ורחוקים כאחד. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אין בהגנה ואין בהתקפה. इसके बाद नेतन्याहू ने अमेरिका से ही मिले F-16 के पायलट से काफी देर तक बात की। इस फाइटर जेट से इजराइल हजारों पाउंड बम गाजा पर गिरा रहा है। नेतन्याहू ने एयरफोर्स बेस पर बताया कि अब अमेरिका से 20 बिलियन डॉलर का हथियार मिलने का ऐलान हो चुका है, और जल्दी ही इस जहाज को अमेरिका से मिले नए गाइडेड बम से लैस किया जाएगा। חיל האוויר הוא אגרוף הברזל שלנו שיודע לפגוע בבטן הרכה של אויבינו. הצוות הקרקע, הטייסים, המפקדים פה עושים עבודה הירואית והם מוכיחים את זה פעם אחר פעם, ואם נצטרך נוכיח את זה שוב וביתר שאת. इजराइल के स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब आया सिनवार पर है। वो गाजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है, इसलिए गाजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबरें मिल रही हैं।
इसराइल की फौज 2400 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। इसराइल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वही होगा जहां इस वक्त मोहम्मद दाइफ है, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इसराइल ने एक नई खबर तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम बुक किया गया है। दाइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है, यानी हमास के लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। सिनवार इज एन आर्की टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल टेरर एक्ट्स इन हिस्ट्री, द 7th ऑफ अक्टूबर। देयर इज ओनली वन प्लेस फॉर इखे सिनवार, इट्स नेक्स्ट टू मुहम्मद दाइफ, नेक्स्ट टू रंदूर, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yihyeh Sinwar. इजराइल का मैसेज साफ है कि हमास के हानिया को मारकर भी नेतन्याहू चैन से नहीं बैठेंगे और उनका अगला टारगेट याहिया सिनवार होगा, जो अब हमास का नया बॉस बन चुका है। फिलहाल फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कंट्रोल करके नेतन्याहू सिनवार की वो गर्दन दबाना चाहते हैं जहां से वो हथियारों वाली सांस ले रहा है। जब पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहा है, तब ईरान को पछाड़ते हुए हूती ने लाल सागर में खौफनाक हमला कर दिया है। इस हमले ने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ाकर रख दिए हैं। हूती ने साफ कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका को हानिया की हत्या और गाजा में चल रहे नरसंहार की कीमत आखिरकार चुकानी ही पड़ेगी। तेल टैंकर में धमाका, हूथी का खूनी हमला। अगर इजराइल और अमेरिका हूथी लड़ाकों को अनाड़ी और कम खतरनाक समझते हैं तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए। हूथी ने ऐसा धमाका किया है कि इजराइल, अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए हैं। हूथियों के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए हूथी ने इसी वक्त हमला आखिर क्यों किया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस वक्त इजरायली सेना गाजा पट्टी, खान यूनुस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उसी वक्त हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजराइल हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजराइल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है, लेकिन यह भी सच है कि ना तो हमास, ना ही हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। हूथी पिछले 10 महीने से लाल सागर में इजराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके हैं। हूथी ने फोड़ा 1.5 लाख मीट्रिक टन का बम। हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया। खबर के मुताबिक ग्रीस का झंडा लगा हुआ एक तेल टैंकर जैसे ही लाल सागर से गुजरा, हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारूदी धमाका हुआ, उस वक्त तेल टैंकर में कच्चा तेल लबालब भरा हुआ था। ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। हुती के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है, जरा उसे भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हुती ने किस तारीख को हमला किया था, इसकी पुष्टि ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन हुती लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्माया गया, जबकि इस वीडियो को शुक्रवार यानी 24 अगस्त को हुती की तरफ से जारी किया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर पर 3 बार आग लगी थी, जिसके बाद भयानक धमाका हुआ। यूरोपीय संघ की एजेंसियों की तरफ से यहां तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है, उसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल भरा है, जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तेल टैंकर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जबकि एक यूरोपीय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मौजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया। वहीं हुती कमांडर ने दावा किया कि हुती इस तरह के और भी भीषण हमले लाल सागर में करता रहेगा। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر. हम आपको हुथी से जुड़े 4 वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हुथी लड़ाके आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले वीडियो को जरा गौर से देखिए, जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हुथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हुथी शामिल हुए, हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्ला के नंबर 2 रहे कमांडर फुआद शुकर की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए, इसमें हुथी लड़ाके गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हुथी AK-47 जैसे हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और अब तक गाजा युद्ध में मारे गए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को लेकर के यहाँ भयंकर गुस्सा है। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हुथियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। تعليقنا على استقبال الكونغرس الملعون نتنياهو قاتل الأطفال والنساء وموقف الكونغرس في استقباله وتصريحه بأننا نقول له إنما ازددنا عنفوانا وصلابة والشعب اليمني سوف يحدد نهايات ما بدأتموه وأننا بإذن الله تعالى سوف نكون خير سند وعون لإخواننا المجاهدين في हुथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हुथी अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हुथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के 4 MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है। हुथियों के दावे के बाद से इजराइल तक घबरा गया है। यमन की राजधानी सना में शुक्रवार यानी 23 अगस्त को हुथियों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया जिसने ईरान तक को हैरान कर दिया। पानी में व्हीलचेयर पर बैठा हुथी लड़ाका तक इजराइल और अमेरिका से गाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की कस्में खा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने साफ कह दिया है कि वो हुथियों के हर हमले का पूरा समर्थन आखिरी दम तक करेंगे। از مقاومت
و همه گروه هایی که در محور مقاومت قرار می گیرند، همه کشورهایی که در حوزه مقاومت قرار می گیرند، یک اصل تغییر ناپذیر هست و ما به این سیاست اصولی خودمون ادامه خواهیم داد. قطعا حمایت از مردم لبنان، حمایت از مردم فلسطین، مردم مظلوم فلسطین به خصوص در غزه، حمایت از مردم در یمن، حمایت از مردم در هر جای دیگر جهان اسلام به خصوص در حوزه محور مقاومت. حماس اور حزب اللہ کے لڑاکے جہاں زمین کے ذریعے زیادہ حملے کر رہے ہیں تو وہیں ہوتھی ودروہی سمندر کے راستے حملے کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور برٹن نے مل کر یمن میں ہوتھی ٹھکانوں پر پچھلے 3 سے 4 مہینے میں کئی درجن بھیانک ہوائی حملے کیے ہیں ہوتھی ودروہیوں کا آروپ ہے کہ امریکہ اور برٹن نے مل کر کے یمن کے قریب 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं जिसमें कई दर्जन यमन के नागरिक भी मारे गए हैं। इस तरह का एक इजरायली हमला यमन में हूथी के ठिकानों पर हुआ था। 20 जुलाई को इजरायल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया था और उसका बदला नेतन्याहू ने खुद अपनी आंखों के सामने लिया, जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35 F-16 यमन के होदेदा पर हमले कर रहे थे। उसकी एक एक लाइव तस्वीर नेतन्याहू लाइव देख रहे थे। जरा देखिए यमन के होदेदा शहर में इजराइल के बेहरम एयर स्ट्राइक से कैसी तबाही मची थी। तस्वीर नंबर 1 देखिए, यमन के होदेदा पोर्ट को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। दावा किया गया था कि यमन के इसी पोर्ट पर ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए घातक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें आती हैं, जिन्हें इजरायली हमले में बर्बाद कर दिया गया। अब तस्वीर नंबर 2 को देखिए, इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किए थे। पावर स्टेशन को मिसाइल और घातक बमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। तस्वीर नंबर 3 देखिए, जिसमें होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े तेल डिपो पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना ने किया था। इजरायल के हमले में तेल डिपो में भयानक आग लगी थी। आग की लपटें